हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? सबका ठीक है यार। अभी हम नारायण के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में हमारे साथ काफ़ी कुछ हो रहा है। पहले हमारे जो भाई लोग आ रहे थे उनके बस का टायर ब्लास्ट हो गया, उसके बाद हमारा अभी इस वक्त रिक्शा जो है वो पंचर हो गया, और हम अपने क्या नाम लेते हैं इस वक्त रोड पे खड़े हैं, अपना रिक्शा सही करा रहे हैं। हमारे पास यार इतने हम मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं कि क्या ही बोल। ये देखें, ये अभी रिक्शा सही करा रहे हैं। कैसे साइन है यार ये? उत्तर पास होता किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। हाँ, क्या कहा आपने? किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। रिस्क नहीं लेना, कहते हैं डर के आगे जीत है। अच्छा, लेकिन हमारी बिस्ती के बाद भी जीत कम ही लग रही है। कोई सेंस है इस बात की? उसके डर के आगे जीत इसलिए क्योंकि बैग पे पर्दे लगे होते हैं। बात तो सही है। अच्छा कासिम, कैसे फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं सही आ रहा हूँ। हाँ, काले आ रहे हो रच के। ओरिजिनल कलर नजर आ रहा है, कोई ब्यूटी नहीं होती। भाइयो ये गाइस, ये देखिए ये हमारे गाज भाई, इधर हेलो करें। इन्होंने हमें ट्रेन को 9:30 बजे आना है, आज की ड्यूटी ना करें। लेकिन बंदा इतना ही लालची क्यों हो एक तनख्वाह के, मतलब एक दिन की दिहाड़ी के मामले में, के ड्यूटी पूरी करके रात को 10 बजे भी नहीं 12 बजे आए। ये बिकी है गवर्नमेंट, ये बिकी है गवर्नमेंट। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा अंडे वाला बन गया। जॉब्स इज जॉब, ड्यूटी कम फर्स्ट, सबसे पहले ड्यूटी फिर सब कुछ हो। मैं जस्ट आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी जॉब पर ध्यान से जाया करें और ध्यान से वापस आया करें। ठीक है, कैमरे में बात करें, कैमरे की तरफ देख। कैमरा मुझे पढ़ रहा है बिकॉज वो लाइट नहीं ना है तो आंखों में। अच्छा, डब्लिंग हो रही है। ठीक है, ये उधर भी। अच्छा जी गाइस, ये है हमारे मीसम भाई। ये जो है इतने बहुत बड़े गाइस, ये जो इतने एक्साइटमेंट थे कि वॉशरूम में, इन्होंने एक्साइटमेंट इनको इतनी थी कि वॉशरूम में जो है ना इन्होंने अपना जो है एल्बो उसको डैमेज कर। हाँ वो देखेंगे, इट्स वेरी सीरियस इंजरी इन माय एल्बो, प्लीज पुट द हैंड डाउन। ओके नो कमेंट्स, आपने कुछ गलत नहीं समझना बस। ओके आपको अब हम मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट किधर है स्टे? बेरा के डेरा। चीचू की मलिया। कहा चीचू की मलिया। चीचू की मलिया, वाह। क्या हम 37 होल्स पे आपको मिलेंगे अकेले? ओके बाय। अभी यार हम लोग खड़े हैं ये होटल पे, पंजाब सुभान होटल। अभी यहाँ से नाश्ता वगैरह करना है, फ्रेश होना और फिर आगे की तरफ रवाना होंगे इंशाल्लाह। यहाँ का मौसम चेक कर लीजिए। ओए होए, एंगल इतना लो रख के तो आप कहाँ से दिखा रहे हो? ना से अपनी दिखा रहा हूँ, यहाँ ये एंगल रख। वो यही कह रहे थे कि जिस तरह सारी मोटरवेज बनी है इस तरह, इसीलिए ये कश्मीर वाल के साथ। अच्छा, क्या कैसा फील हो रहा है इतनी बुलंदी पे आगे? अब यार हम लोगों के पास आया नाश्ता। नाश्ता तो अल्लाह मजेदार, नजर तो मजेदार आ रहा है। मैं समझ तू तैयार है लग गए।
भाइयों, अभी एक हो गई है मिस्त्री हमारे साथ, हमारा हो गया टायर पंचर। ये देखो, ये चेक करो, हमारा हो गया यार टायर पंचर। इधर आ जाओ, कैसा आपका कोड किले जैसा मुंह है। हाँ जी, तो यार अभी हम हो रहे हैं सड़कों पे थोड़ी गर्मी में, जैसा हर मेरे ब्लॉग में आपको नजर आता है। नहीं नहीं, वो तो जलील किस्मत में लिखा है, लेकिन ये है कि ये इन रास्तों पे टायर पंचर होना एक आम सी मामूली सी बात है। बिल्कुल ठीक है ना, एक मामूली सी बात है और वो हर एक के साथ हो सकता है। अभी वो भाई बस ठीक करेंगे, कोई आधा घंटा तो होगा, आधा घंटा घंटा तो लगेगा, और इस घंटे में हमें यहाँ पे घंटा कुछ करना है। भाई लोग कहाँ गए? शेल वालों का मैंने सुना था कि वो न्यूज़ आ रही थी कि शेल वालों ने मतलब यहाँ से बायकॉट कर लिया पाकिस्तान से। यार हमें यहाँ आके पता लग रहा है कि खुदा की क्या कुदरत है माशाल्लाह। बालाकोट आपको सुनने में आए कि यार ये लफ्ज़ कहीं सुना हुआ है, आपने लाजिम सुना होगा। यहाँ पे 2005 और आई थिंक 2008 का जलजला आया था, जिसमें आपको अगर आप वर्ल्ड डिजास्टर्स में जाए ना, बेस्ट क्या कह रहा हूँ, मोस्ट डेंजरस डिजास्टर या अर्थक्विक से जो सबसे ज़्यादा जाने गई हैं, मुतासर होने वाले जो शख्स हैं, तो ये दुनिया में करीब टॉप 5 में आएगा कि बालाकोट में जो अर्थक्विक से जाने गई थी। आप रिसेंटली भी देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बट उसकी इतनी शिद्दत नहीं थी है कि इतना नुकसान कर सके जितना बालाकोट में हो सकता था। अगर हम देखना चाहते हैं तो हम अपने ब्लॉग में कुछ वीडियोस के, कुछ अथेंटिक वीडियोस के लिंक्स भी ऐड कर देंगे, ताकि आपको आप उन लिंक्स पे जाके फर्दर आप विजिट कर सकें उन लिंक्स पे। इसके अलावा बाकी अभी थोड़ा सा जलालत प्रोग्राम तो होगा। अच्छा, इसकी बात एक और है कि ये देखें आप, यहाँ पे बालाकोट में आप खड़े हैं, यहाँ पे मुसलसल ना हाइट पे आप जा रहे हैं, कोई सड़क भी आपको ना ऐसे स्ट्रेट नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे हमें रोका गया है कि आपने सड़क पे खड़े नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगेगी। अगर कोई गाड़ी आ रही है वो ब्रेक लगाएगी तो पीछे लाइन लग जाएगी उसको, लगने वालों की बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है। माशाल्लाह बहुत प्यारी जीप है ये, एक दफ़ा मेरे कैमरा में लग रहा है। यहाँ पे ज़्यादा ऐसी मतलब गाड़ियाँ ही चलती हैं पहाड़ों पर, बहुत आगे से तो वीडियो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। मतलब ये यार अभी हमारा टायर पंचर हो गया था, तो अभी हमने उसे चेंज किया, स्टेपनी लगाई अंकल ने, तो अभी हम वापस अपने सफर में रवाना हो रहे हैं बालाकोट सिटी की तरफ, तो अभी हम जाते हैं और आपसे दोबारा मिलते हैं। हाँ जी, तो यार अभी हम रुके थे जरा, वो स्टेपनी जो थी उसे पंचर लगवाने, क्योंकि आगे भी कुछ भी हो सकता है, खैर ही करे, तो अभी वो पंचर लगा रहे हैं, तो पंचर, तो अभी हम बाजार की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही घूमने फिरने के, बाजार कैसा है ये बालाकोट सिटी है वहाँ जा रहे हैं। अच्छा यार अभी ना हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, एक सेकंड मिसम, अभी हमें मैं जरा इनको गाइड कर लूँ। जी जी, हमें थोड़ा सा टाइम मिला है कि हमारे गाइडर की तरफ से थोड़ा सा टाइम मिला है कि आप थोड़ा सा बालाकोट में इस मार्केट को देख लो। तुम्हारा दिल किया कि वो लोहे का एक पुल है उसके ऊपर जाके आपको दिखा सकें और खुद भी एक्सपीरियंस कर सके। हमारे कुछ जो भाई हैं वो कुछ पिक्चर्स ले रहे हैं, एक सेकंड वो फारिग हो जाते हैं तो फिर सारे मिल पिक्चर्स नहीं ले रहे, आई थिंक वो अपना अंडरवेयर सेट कर रहे हैं, मे बी ये क्या नाम है, पिक्चर्स ही होता है, आपने अंडरवेयर बोल दिया, लेकिन चले हम वो लोहे के पुल पर जाते हैं फिर आपसे डिस्कस करते हैं। चले भाई।
Thank you.